माननीय अग्निहोत्री जी, माननीय श्रीमती अग्निहोत्री जी, हमारे भारत के गर्व डॉक साहब कितने कीर्तिमान इनने स्थापित किए हैं, माननीय सांसद महोदय, बाकी स्टेज पर मंच पर उपस्थित सारे माननीय गण, और वर्धा के बहुत ही सज्जन और खूबसूरत श्रीमान और श्रीमतियों का, युवा और युवतियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज वर्धा की इस पुण्य धरती पर मुझे बुलाया आपने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सचिन जी, माननीय अग्निहोत्री जी, मैं इनके एक बार कहने में इसलिए आ गया क्योंकि शायद मैं इंतजार ही कर रहा था कि कोई ऐसा मौका लगे कि मैं वर्धा वापस जाऊं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इस पुण्य धरती के कारण हूं। मेरे माता पिता दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अकोला में अगर आप जानते हो राधा देवी गोयनका जी के काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मेरे पिताजी ने एस्टेब्लिश किए थे। गांधी जी के कहने पे प्रिंसिपल रहे बहुत साल। मेरे माता पिता दोनों शादी के कुछ ही दिन बाद जेल चले गए थे और मेरे पिताजी यहाँ वर्धा में, मेरी माँ वर्धा जेल में थी और पिताजी यूपी के किसी जेल में भेज दिए गए थे। तो मेरा इससे एक पुश्तैनी रिश्ता बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रिश्ता वर्धा के साथ ये है कि यहाँ पे रामकृष्ण बजाज जी एक कंपटीशन करते थे जमनालाल बजाज जी के नाम से, गांधी जी के ऊपर, और हम लोग यहाँ आया करते थे। साल मैंने 5 साल वो पुरस्कार जीता, 10,001 रुपए का वो पुरस्कार होता था। ऑल इंडिया नेशनल डिबेट होती थी और उसमें मैंने 5 साल जीता, और सारी जिंदगी जो भी पढ़ाई की भारत में, फिर दिल्ली में, फिर अमेरिका में, हार्वर्ड में, वो उसी पैसे से किया जब मैं घर से निकला 19 साल की उम्र में। उसके बाद मैंने अपने घर से कभी एक चवन्नी नहीं ली, एक पैसा नहीं लिया। तो इसलिए वर्धा का मेरे ऊपर आर्थिक रूप से भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा अपने ननिहाल में जाके लोगों को लगता है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, फिर वाइस चांसलर रहे, और मैंने भी अपना जीवन काफी एजुकेशन में बिताया है। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं भारत घूम रहा हूं आज की तारीख में, हमारे राष्ट्र का एक जो सबसे बड़ा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है वो है शिक्षा का क्षेत्र। जब मैं पढ़ता था तब सिर्फ कॉलेज गवर्नमेंट वगैरह चलाती थी, अब प्राइवेट अग्निहोत्री जी जैसे लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और काफी तादाद में अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं। पर एक बात मैं आप लोगों के साथ साझा भी करना चाहता हूं, कुछ लोगों से बड़ा हूं, कुछ से छोटा हूं, माफ करिएगा जिनसे छोटा हूं, पर जिनसे बड़ा हूं उन्हें हक से बता सकता हूं। मैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था भारत में पढ़ाई अच्छी नहीं है तो विदेश चलो, तो मैं बाहर गया, थोड़ा होनहार था तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, ग्रीन कार्ड भी मिल गया। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि सारी जिंदगी की जो पढ़ाई है वो मैं किसी और के सपने पूरे करने के लिए क्यों खर्च करूं, इससे अच्छा अपने राष्ट्र में वापस आता हूं। राजीव गांधी जी नए भारत का निर्माण करने का उस वक्त वादा कर रहे थे, मैंने कहा ये सही वक्त है, चलिए वापस चलते हैं। वो सपना पूरा नहीं हुआ, उस वक्त टूट गया। फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी एक नए भारत के निर्माण का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। लोग आते रहे, नए भारत के निर्माण की बात करते रहे, और मैं अक्सर ये सोचता रहा कि अगर नए भारत का निर्माण करना है तो ये नए भारत का निर्माण आखिर होगा कैसे। पहली चीज जो निर्माण के लिए चाहिए वो है तपस्या और त्याग। आप बता रहे थे आपके पिताजी ने इतनी तपस्या और त्याग की, आपके पिताजी बता रहे थे उनके पिताजी ने कितनी तपस्या और त्याग की। भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है, आज हम जो भी उसके फल खा रहे हैं, फल फूल रहे हैं, पर कहीं ऐसा भी हुआ है कि अचानक लिबरलाइजेशन के बाद जो भारत में ये एसी गाड़ियां, सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो आने लगी, लोग विदेश घूमने लगे, हम कहीं ये भूल ही गए इस बात को कि अभी हमने अपने पांव पे पूरी तरह चलना भी नहीं शुरू किया है। और उसके पहले ही हम लोग जो है ये मानने लगे हैं
कि हमारा निर्माण हो चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा जो उसका नुकसान ये हुआ वो ये है कि भारत के जो अनफिनिश प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिर्फ एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच का है, वो कहीं अधूरा हमने भूल ही गए, छोड़ दिया। राजनीति अपना काम कर रही है, राजनीति तो कर रही है, 370 हटाया, राजनीति राम जन्मभूमि का भी स्थापित कर रही है, और भी पुराने पचड़े के जितने काम हैं उसको ही सरकार कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, कंट्री डेवलप भी हो रही है। लेकिन क्या आज का जो युवा है वो भारत पे उस तरह से गर्व करता है और भारत के लिए क्या अपनी जान अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है, या उसका सपना है इंजीनियर डॉक्टर बनो और चलो अमेरिका। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं भारत में लगातार 20 दिन घूमता हूं, कल चंडीगढ़ से आया हूं, परसों पूना जा रहा हूं, वहां से हैदराबाद जा रहा हूं, और मिडिल क्लास जो है आज पूरे भारत के मिडिल क्लास का एक ही सपना है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ या डॉक्टर बनाओ और किसी तरह इसको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, डॉलर में पैसा कमाए, और रिटायरमेंट के बाद माँ बाप जो है अमेरिका जाके उसके जब बच्चे हो उनकी सेवा करें। ये है कि नहीं बताइए, बोल, अगर जो लोग नहीं बोल सकते ना बोले, मेरी बात बताइए, आप अमूमन भारत के मिडिल क्लास का सपना ये है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं मेरा सपना क्या है, चूंकि यहां युवा लोग हैं, मैं अपनी बात बताता हूं। मेरा भी यही सपना था, मैं भी अमेरिका गया था, वापस आया, फिर भी मुझे ये लगता था। लेकिन मैंने कहा कि बाकी लोग भी करते होंगे, पर हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू फिलॉसफी में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो है कि आखिर ये जीवन का अर्थ क्या है, क्या वो चीज है जो हमको पशु से, जड़ से अलग करती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना सोचता होगा मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है। मुझे यह समझ में आया कि वो कौन है जिसने मेरे लिए सबसे अधिक त्याग किया है, जिसने मेरे लिए सबसे ज्यादा तपस्या की है। हम लोग भारत में तमाम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जिसने वाकई में भारत का निर्माण किया है, जिसके फल आज हम सब तोड़ रहे हैं, जिसके कारण विश्व विश्व में कोने कोने में, आप ये देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ी समस्या क्या है, विश्व की सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व की है ट्रस्ट, विश्वास। आज लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, राष्ट्र राष्ट्र पे विश्वास नहीं करते, धर्म धर्म पे नहीं करते, जातियां जातियों पे नहीं करती। पूरे वर्ल्ड की अगर आप पॉलिटिकल समस्या समझें, वो है ट्रस्ट डेफिसिट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मतलब ट्रस्ट खत्म हो गया है। लेकिन आप विश्व के किसी भी कोने में जाइए, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भारतीय सक्सेसफुल नहीं है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाइए, मैंने पूरे विश्व का भ्रमण किया एक नहीं पचासों बार, कहीं भी जाइए, सिर्फ एक ऐसी पूरी की पूरी प्रजाति है जिसपे पूरा विश्व, आप अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, जापान जाइए, सब जगह लोग एक बात बोलते हैं, अगर रात को 2-3 बजे आपकी गाड़ी खराब हो जाए और अगर आपको किसी से मदद मांगनी पड़े, किसी और से नहीं मांगना, अगर कोई इंडियन जा रहा हो तो उससे मांगना। अब सवाल ये उठता है, ये जो ट्रस्ट है जिस जो हर भारतीय पे पूरा विश्व विश्वास करता है, और आज तो खास तौर पे भारत पे सारी दुनिया विश्वास कर रही है, ये तो किसी स्कूल में संस्था में नहीं सिखाया जाता, ये तो पॉलिटिशियंस भी आपको नहीं सिखाते कि भाई ट्रस्ट करना सीखो, ये तो आपको राजनीतिक धार्मिक गुरु भी ये बात नहीं सिखाते। ये जो ट्रस्ट जो लोग आप पे कर सकते हैं, ये कहां सीखते हैं हम लोग, कौन कर रहा है इस चीज का निर्माण? यह है भारत की मां। आंख बंद करके 10 सेकंड आप सोचिए, आज जो भी आप जीवन में है उसके पीछे आपकी मां का कितना त्याग है। वो खुद खराब खाना खा लेती है, दाल में पानी लगा के पी लेती है, जमीन पे सो जाती है, कपड़े नहीं खरीदती, मेकअप नहीं करती, कहीं बाहर नहीं जाती, घूमने नहीं जाती, पिक्चर देखने नहीं जाती, इसलिए कि 4 पैसे बचे तो इस बच्चा जो है इसका भविष्य हो। मैं गलत कह रहा हूं? कोई ऐसा है जिसको लगता है मेरी बात गलत है? कोई है तो बताइए।
मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, मैं कहां जाता हूं। तो मैंने यह तय किया आज से 15 साल पहले कि मैं अपना पूरा जीवन अपनी मां की सेवा में लगाऊंगा और मेरी मां का नाम है मां भारती। मैं राजनेता नहीं हूं, राजनीति पे फिल्म बनाता हूं, पर मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आप जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता सकता हूं मैंने क्या तय किया, जो जिस कारण से इतनी अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद अगर हमारा बच्चा देश छोड़ के बाहर जाना चाहता है, उसका कारण यह है कि उसको अपनी मां पे गर्व नहीं है। जिसको अपनी मां पे गर्व है वो ही राष्ट्र छोड़ के नहीं जाएगा। तो मैंने ये कहा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर जहां भी हो सकता है, मैं लोगों को ये तो बता सकूं कि क्यों उनके जीवन का धर्म और ध्येय भारत माता की सेवा करना होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत उलझा हुआ काम था, बहुत उलझा काम था, जो कभी सरकार नहीं करेगी। आप लिख के ले लीजिए, अगले 100 साल नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीतिक उनके कंपल्शन हैं। और वो है क्योंकि हमको आज तक पूरी झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जो भी इतिहास हम आज पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, तोड़ा मरोड़ा भी नहीं गया है, वो झूठ, पूरी तरह झूठ पे आधारित है। और इसलिए एज अ फिल्म मेकर मैंने ये जिम्मा लिया कि मैं अपने फिल्मों के मार्फत कम से कम लोगों को एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री, जो कि सत्य है भारत का, दिखा सकूं, जिसपे वो गर्व कर सकें और जिसके कारण वो भारत माता की सेवा में तल्लीन हो सके। मैं आपने ताशकंद फाइल्स देखी हो, कश्मीर फाइल्स देखी हो, मेरी अगली फिल्म का नाम है द दिल्ली फाइल्स, और ये मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, और मेरे नहीं, भारत के जीवन की मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। क्योंकि जो भी हमें आजादी के बारे में पढ़ाया गया, भारत के विभाजन के बारे में पढ़ाया गया, 16 आने झूठ पढ़ाया गया। और ये मैं डंके की चोट पे आज कह रहा हूं, 4 साल से हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं, ऐसा कोई भाषण नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां के हमने एक एक चीज को ना समझा हो। आप में से कितने लोग हैं जो मोपला के बारे में जानते हैं, हाथ उठाना जरा, मोपला नाम सुना है किसी ने? नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हैं? एक, सिर्फ एक हाथ उठा। तो आज मतलब आप भारत की स्वतंत्रता के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों को या लोगों को यह बात नहीं पता। इसलिए नहीं कि इसमें आपकी गलती है, इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं, और जो बताने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स, फतवे, तरह तरह की चीजें। आप ये देखिए, कश्मीर के लोगों के दर्द पे कहानी बनाने के कारण आज मुझे वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, पीछे बैठे हुए हैं। ये इस राष्ट्र की हालत हमने कर दी है कि इस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का सत्य अगर आप बताएं तो लोग आपको मारने आते हैं, क्योंकि झूठ कायम कर दिया गया है और उस झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे के पूरे लोगों के तंत्र और पैसे लगे हुए हैं। और यह बहुत बड़ी चुनौती है। भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, 10 ट्रिलियन की हो जाए, 50 ट्रिलियन की हो जाए, आप अगर खुद अपने जीवन में करोड़पति अरबपति हो जाए, लेकिन अगर आपको अपनी मां, अपने पिता, अपने इतिहास, अपने धरोहर के बारे में सत्य नहीं पता, तो उस पैसे का क्या अर्थ है? अगर आप अपनी मां पे ही, जैसे मैंने बताया आपकी मां के त्याग और तपस्या के बारे में, अगर आप अपनी मां के त्याग और तपस्या पे ही गर्व नहीं कर सकते हैं, और अपनी मां के संघर्ष और त्याग के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो आपके करोड़ों और अरबों रुपए का क्या अर्थ है? आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 75 साल से मोपला केरला में एक जगह है जहां पे पहली बार गांधी जी ने खिलाफत को पॉलिटिकल अप्रूवल दिया। खिलाफत का अर्थ आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं।
90% लोग जो है मैं गारंटी कर सकता हूं खिलाफत का मतलब समझते होंगे किसी के खिलाफ हो जाना। खिलाफत का वो अर्थ नहीं। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया। जब टर्की को हरा दिया, टर्की में खलीफा, खलीफा आप जानते हैं इस्लामिक उम्मा जो है उसके जो नंबर वन लीडर होते हैं उन्हें खलीफा बोलते हैं। तो भारत पूरे विश्व में और कहीं नहीं, कहीं नहीं, ना मिडिल ईस्ट में, ना ईरान में, ना इराक में, कहीं नहीं, सिर्फ भारत में केरला में एक जो मोपला कम्युनिटी है जो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है, उन लोगों ने कहा कि हम तो सिर्फ खलीफा को मानते हैं इसलिए हम ब्रिटेन से लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि खलीफा को ब्रिटेन ने हराया है। उस वक्त गांधी जी ने केरला में जाके खिलाफत कहा कि खिलाफत के मैं साथ खड़ा हूं, और वहां से एक टू नेशन थ्योरी चालू हुई। और मोपला में सन 1921 में एक इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ जब 20,000 हिंदुओं को कत्ल करके कुएं में फेंक दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ये डॉक्टर एनी बेसेंट ने बोला, ये श्री अरबिंदो ने बताया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको किसी ने बताया, ये सब दस्तावेज है। मैं अभी पिछले हफ्ते मोपला से आया हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 10 कुएं देख के आया हूं जहां पानी खत्म हो गया, ऊपर तक लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। डॉक्टर एनी बेसेंट गई थी वहां पे, कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। डॉक्टर एनी बेसेंट रोड सबसे बड़ी रोड है वहां पे बंबई में। डॉक्टर एनी बेसेंट वहां गई और उसके बाद उन्होंने लिखा है, आप अभी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैंने कुएं में अपनी आंखों के सामने एक गर्भवती महिला का 7 महीने का बच्चा, वो जिंदा था, महिला को काट दिया गया था। एक छोटा 3 महीने की बच्ची मिली जो मां मर चुकी थी पर मां का दूध पी रही थी। यह है भारत का खून से लथपथ इतिहास। और आप यकीन नहीं करेंगे जिन लोगों ने यह कत्लेआम किया था, पिछले साल तक 387 उन लोगों को भारत में फ्रीडम फाइटर बोल के, फ्रीडम फाइटर की पेंशन मिलती थी, केरला सरकार उनका स्वागत करती थी, उनके नाम से स्मारक बने थे। सिर्फ पिछले या मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले नई सरकार ने उसको चेंज किया, उनको इतिहास को करेक्ट किया, उन सबसे फ्रीडम फाइटर का पदवी हटा दी गई क्योंकि वो कातिल थे। यह है भारत का इतिहास। डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता में 20,000 लोगों को सड़कें, आप मेरे भाषण के बाद गूगल करके देखिएगा। और ये भारतीय पत्रकारों ने नहीं, ये टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर्स हैं। आप फोटो देखिए, सिर्फ कंकाल ही कंकाल पड़े हैं कलकत्ता की सड़कों पे, और ऊपर गिद्ध और चील बैठे हुए हैं जो उनको खा रहे, छोटे छोटे बच्चों की आंखें खा रहे। ये आपको किसी ने नहीं बताया। आप सब जब आजादी की बात सुनते होंगे तो आपकी नजर में सिर्फ पंजाब आता होगा क्योंकि आपने गदर जैसी फिल्मों में देखा है, ट्रेनों में लोग आ रहे हैं। लेकिन भारत की पूरी आजादी की लड़ाई बंगाल में लड़ी गई है, कितने लोग जानते हैं? आज लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट को कई लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र की आजादी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही आई है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, ये 75 साल से इतनी फिल्में बनती हैं, पार्टीशन पे बनी, कश्मीर पे बनी, हमेशा आपने देखा होगा दिखाते थे कि टेररिस्ट बेचारा इसलिए टेररिस्ट बनता है क्योंकि उस पर अत्याचार बहुत हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं फिर भारत का हर गरीब और हर दलित जो गांव में जिसपे अत्याचार होता है वो टेररिस्ट क्यों नहीं बन जाता है? इसलिए मैंने कश्मीर फाइल्स बनाई, लेकिन बहुत जोखिम भरा काम था, जान पे खेलने का काम था। पिछले 1.5-2 साल से मैं अपने परिवार, बीवी, अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं कहीं जा ही नहीं सकता, लेकिन मुझे मंजूर है। अगर एक फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने अगर लाखों लोगों की आंखें खोली, एक सत्य बताया, कई लोग कहते हैं कि उसने हमें हिला के रख दिया, अगर कश्मीर फाइल्स ने आपको हिला के रख दिया तो आज मैं पहली बार वर्धा की पुण्य धरती से आपको शपथ लेके कहता हूं, द दिल्ली फाइल्स आपको कई महीनों तक सोने नहीं देगी। इसलिए नहीं
इसलिए नहीं कि उसमें क्या है, इसलिए नहीं सोने देगी कि आपको आत्मग्लानी होगी, आपको बहुत दुख होगा कि कैसे झूठ को आप लोगों के जीवन में मर दिया गया। और यही झूठ है जो भारत को कमजोर करता है, यही झूठ है जिसके कारण भारत के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। और अगर झूठ को तोड़ना है तो वो एक मंदिर से होगा, जिस मंदिर को हम विद्यालय बोलते हैं, शिक्षा संस्थान बोलते हैं। और यही मेरा एक सपना है कि भारत के युवा लोगों को प्रेरित कर सकूं, अपनी फिल्म के माध्यम से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से, जो मेरे में बस है, मेरा एक एक कण, मेरा एक एक रोम, मेरा एक एक पल सिर्फ अपनी मां की सेवा में निकले, जो कुछ मैं करूं वो सिर्फ मेरी मां, अपनी मां की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित हो, और उस मां का नाम है मां भारती, भारती मां। ये मेरे जीवन का एक मकसद है। कई लोग कहते हैं, विवेक जी आप क्यों नहीं बड़े स्टार्स के साथ टिपिकल बॉलीवुड टाइप की फिल्म बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। ठीक है, जिनको वो मंजूर है वो करें, लेकिन जो मैं कमा रहा हूं वो लोग नहीं कमा सकते। और मैं अंत में आपको बताता हूं मैं क्या कमा रहा हूं। मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर भारत की हर मां का आशीर्वाद है। कश्मीर फाइल्स मैंने नहीं बनाई, दिल्ली फाइल्स भी मैं नहीं बना रहा हूं। मैं मात्र एक साधन हूं। मां सरस्वती ने तय किया है कि ये काम मेरे हाथों से हो, ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है जिसके कारण ये काम हो रहा है। मैं सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूं। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने माँ बाप हैं यहाँ पे, जब मैं बड़ा हो रहा था तो भारत में सब तीन देवियों में सबसे आगे होती थी सरस्वती देवी। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, कला का कोई संस्थान नहीं था। हर घर में मैं जहां जाता था सरस्वती होती थी। लोग एक दूसरे को सरस्वती देते थे मूर्तियां। मैं जब फंक्शंस में छोटा था, डिबेट में जाता था, पुरस्कार में सरस्वती मेरे को मिला करती थी। भोपाल के हमारे घर में कम से कम 50-100 होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत फंक्शंस में जाते थे और हम भी दिया करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, हमने सरस्वती को किनारे कर दिया, जैसे बूढ़े माँ बाप को कर देते हैं, लक्ष्मी और दुर्गा को आगे खड़ा कर दिया। आज तो लक्ष्मी की ही पूजा देखता हूं सब जगह। दुर्गा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सरस्वती को फिर से स्थापित करिए। अपने बच्चों को सरस्वती की श्रद्धा सिखाइए। बिना सरस्वती की श्रद्धा किए मां भारती की श्रद्धा हम कर नहीं सकते, और बिना सरस्वती और मां भारती की श्रद्धा किए हुए हम इस राष्ट्र के लिए त्याग और तपस्या कर नहीं सकते। मैं आप सबको, जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं, जो मुझसे बड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैंने जो ये एक यज्ञ का काम अपने हाथ में लिया है, इसको मैं जीते जी पूरा कर सकूं और मां भारती का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकूं। धन्यवाद।